हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी यूट्यूब चैनल। आज के सोमवार को रहने वाला हूँ, एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है कि क्या आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा, अगर आप अपने होम मुल्क में हैं, अपने होम कंट्री में हैं, अगर आप छुट्टी पे गए हुए हैं सऊदी अरेबिया से, तो आपका क्या एग्जिट एंट्री वीज़ा फाइनल एग्जिट में कन्वर्ट होगा। ये एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है बहुत से सोशल मीडिया पे, तो इसका प्रॉपर स्टेटमेंट जवाज़ात ने एक ट्विटर हैंडल भी दिया है कि आप अगर छुट्टी पे सऊदी अरेबिया से अपने मुल्क गए हुए हैं तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा, आपको सऊदी अरेबिया एंटर करना होगा, उसके बाद ही आप फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका इकामा वैलिड रहना चाहिए। अगर आप छुट्टी एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, आप अपने मुल्क में रहते हुए छुट्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी फीस पेमेंट करके अपने कफिल या अपने कंपनी के HR को बोल के आप अपना एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी खुरूज अहदा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप फाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं लगवा सकते अपने होम कंट्री में रहते हुए। अगर आपको फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवाना है तो आपको सऊदी अरेबिया एंटर करना होगा, उसके बाद ही आप फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवा सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पे कि क्या छुट्टी पे गए हुए हैं लोग, क्या उनका फाइनल एग्जिट लगेगा। तो जवाज़ात ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि नहीं लगेगा, आपको री एंटर करना होगा सऊदी अरेबिया। अगर आप किसी वजह से नहीं आ सकते, रीज़न कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई एक फैमिली एक प्रॉब्लम है, अगर आप उस वजह से आप सऊदी अरेबिया नहीं आ सके वापस उस गिवन पीरियड टाइम में जो आपके एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी खुरूज अहदा पे मेंशन है, आप उस वीज़ा एक्सपायर होने से पहले अगर आप सऊदी अरेबिया एंटर नहीं करेंगे तो आपको 3 साल का बैन लगेगा। 3 साल होने के बाद ही आप फिर से सऊदी अरेबिया न्यू वीज़े पे आ सकते हैं, तब तक आप नहीं आ सकेंगे कोई और वीज़े पे। तो आज के दिन बस इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग एक सऊदी एग्जिट एंट्री वीज़ा के बारे में कि फाइनल एग्जिट वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।